Welcome to our official YouTube channel APS Sarkhi Dhabri. Today we will discuss the science chapter of class 9, motion. Motion को जानने से पहले हम कुछ basic terms discuss करते हैं, जिसमें कि सबसे पहले मैं motion के बारे में ही बताऊंगा कि motion होता क्या है। तो motion actually क्या है? Change in position, यानी कि जब कोई object अपनी position change करती है, change in position with respect to time, यानी कि time के respect में। जैसे for example मैं ऑब्जेक्ट कंसीडर करता हूं ए, एक पोजीशन कंसीडर करता हूं ए और दूसरी पोजीशन बी। जब कोई ऑब्जेक्ट पोजीशन ए से पोजीशन बी पर ट्रैवल करके पहुंच जाती है टाइम के रिस्पेक्ट में, क्योंकि टाइम भी कंज्यूम होगा साथ साथ, तो इसका मतलब उसको हम क्या बोलेंगे? मोशन बोलेंगे। डेफिनेशन में दोबारा से रिपीट करता हूं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम देन इट इज सेड टू बी नोन एज सेड टू बी एज मोशन, यानी कि उसको हम क्या बोलेंगे? मोशन बोलेंगे। अब आफ्टर डिस्कसिंग मोशन, motion is categorized into two categories. First is uniform motion and second is non-uniform motion. जैसा कि नाम से पता चल रहा है, uniform का मतलब इसका composition same रहे, यानी कि सारा का सारा throughout अगर मैं बात करूँ तो, अगर इसकी definition को properly discuss करें तो definition बनेगी, when an object travels equal distance in equal interval of time, then it is said to be as uniform motion. For example, मैंने बताया था कि A से B जो पॉइंट है उनकी दूरी है, उनका डिस्टेंस है हमारा 100 किलोमीटर। जब कोई कार या फिर कोई भी मोशन वाली ऑब्जेक्ट अगर इसको ट्रैवल करके क्रॉस करती है तो इसको टाइम, इसको क्रॉस करने में टाइम लगा मान लो 2 घंटे का, तो 2 घंटे में इसकी स्पीड मान लेते हैं 60 किलोमीटर पर आवर। तो इस स्पीड से वो पूरे डिस्टेंस को क्या कर लेगी? क्रॉस कर लेगी, यानी कि इसको 100 किलोमीटर के डिस्टेंस को इस यूनिफॉर्म स्पीड से क्रॉस कर लेती है। तो इसका मतलब वो क्या है? हमारा यूनिफॉर्म मोशन है। और दूसरा मैं बात करूं नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म की डेफिनेशन बन जाएगी व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, क्योंकि टाइम के इंटरवल हमेशा कॉन्स्टेंट रहेंगे, टाइम कभी चेंज नहीं आ रहा। टाइम के यूनिट वही बेसिक यूनिट सेकंड रहनी है और जो बड़ी यूनिट है आवर रहनी है, तो उसमें कोई चेंजमेंट नहीं आएगा। लेकिन चेंज क्या हो जाएगा? हमारा डिस्टेंस ट्रैवल, मान लो 60 की स्पीड है, तो 60 की स्पीड का मतलब क्या है कि 1 घंटे में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है? 60 किलोमीटर। 30 की स्पीड है, तो इसका मतलब क्या है? 1 घंटे में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है? 30 किलोमीटर। 20, तो इस तरह से अलग अलग, मान लो मैं एग्जाम्पल ले सकता हूँ, 20 स्पीड गेन की, 30 अटेन की, 60 अटेन की, बाद में 80 अटेन की, 100 की। तो इनकी जो एवरेज है, तुम सभी को पता है, मान लो इसके एवरेज वेलोसिटी निकालना चाहे तो इन पांचों टर्म्स को मीन निकालना आता है। 8th 9th में सीख लिया था मैथ्स में, मीन सभी को निकालना है, तो सभी को ऐड कर लेंगे और 5 से डिवाइड कर लेंगे तो एवरेज स्पीड हमारी लगभग कितनी आ जाएगी? 60 के अराउंड आ जाएगी। तो 60 की स्पीड से एक और एग्जांपल ले सकता हूं, मान लो यहां से दिल्ली की डिस्टेंस हमारा 100 किलोमीटर, उसको ट्रैवल करने में टाइम लगता है 3 आवर। अब हम डिस्टेंस को टाइम से जो है डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? स्पीड आ जाएगी। तो एवरेज स्पीड मोशन से ही रिलेटेड है, मोशन से ही रिलेटेड कांसेप्ट है, तो थोड़ा सा स्पीड को भी साथ ही लेके चलता हूं। तो 100 बाय 3 किया तो एवरेज जो स्पीड है, यानी कि एवरेज हमारी कितनी आई? 33.33 किलोमीटर पर आवर, ये इसकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। तो इस तरह से मैं डिस्क्राइब कर सकता हूं यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को। अब इसके बाद हम चलते हैं कुछ बेसिक टर्म्स को इसी से रिलेट करते हुए। सबसे पहला हमारे पास आता है डिस्टेंस। अब डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस होता है किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में जो फिक्स डिस्टेंस रहेगा, जो फिक्स दूरी रहेगी, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जो इसका दूसरे वर्ड्स में इसको मैं डिफाइन कर सकता हूँ, जो पहले से मेजर्ड है। फॉर एग्जांपल दादरी से भिवानी की अगर दूरी की बात करूँ तो 30 किलोमीटर है, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि वो डिस्टेंस पहले से मेजर्ड है, वो फिक्स पॉइंट्स हैं और उसी के अलोंग हम जाते हैं, तो वो क्या कंसिडर किया जाएगा? हमारा डिस्टेंस कंसिडर किया जाएगा। और डिस्टेंस का फॉर्मूला सभी को पता है, डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम, यानी कि डिस्टेंस को किससे भी डिनोट कर सकते हैं, स्पीड इंटू टाइम से भी इसको डिनोट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में थोड़ा सा अंतर है। सबसे पहली बात तो डिस्टेंस हमारी स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या होगा? दोस फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, यानी कि जिनके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है वो हमारी क्या रहेगी? स्केलर क्वांटिटी रहेगी। अब मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो यहाँ पाथ ट्रेवल नहीं देखा जाएगा, यहाँ सिर्फ और सिर्फ इनिशियल से फाइनल पोजिशन, यानी कि हमें ए से बी पॉइंट पे अगर पहुंचना है तो हम यहाँ शॉर्टेस्ट पाथ कंसिडर करेंगे, वो चाहे कोई भी हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से जो दूरी बनती है वो 30 किलोमीटर है, यहाँ से जो डिस्टेंस है 28 किलोमीटर है और यहाँ से डिस्टेंस है 27 किलोमीटर। तो यहाँ जो वेरिएशन है डिस्टेंस की अलग अलग है सबकी,
28, 30 या 27, but shortest path हमारा जो है A से B का कितना रहेगा 27 किलोमीटर, तो इसलिए displacement हमारी क्या consider करेंगे 27, क्योंकि इसकी definition क्या थी, cut कर दो इसको, तो इसकी definition after discussing displacement, now I will discuss speed and velocity, इनके बीच में relation क्या है वो discuss करते हैं। स्पीड का सभी को पता है कि स्पीड क्या होती है, स्पीड होती है जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि फार्मूला क्या बनेगा इसका, डिस्टेंस अपॉन टाइम इसका फार्मूला रहेगा। और हम बात करते हैं स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस के, तो सेम डिफरेंस है जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में रहा था, ऐसे ही हमारा डिफरेंस जो है स्पीड और वेलोसिटी में रहेगा। स्पीड का फार्मूला वही डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड का फार्मूला रहेगा हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम, और यहां वेलोसिटी के अंदर फॉर्मूले के अंदर डिस्टेंस के प्लेस पे क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, यानी कि वेलोसिटी हमारी कैसी क्वांटिटी बनेगी, वेक्टर क्वांटिटी बनेगी, और डिस्टेंस हमारा कैसा, स्पीड हमारी कैसी है, स्केलर क्वांटिटी है। आई रिपीट, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, जिनके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है वो क्या रहेंगे, स्केलर क्वांटिटी, और जिनके पास दो फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन वो हमारी क्या हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी। इसका फॉर्मूला बन जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लेकर, वो सारा क्या है हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, सॉरी स्पीड और वेलोसिटी के बीच में डिफरेंस है। मेजरमेंट दोनों की सेम ही है, मीटर पर सेकंड, दोनों को मेजर करने के लिए जो स्टैंडर्ड यूनिट है SI यूनिट है मीटर पर सेकंड है, लेकिन एक चीज और इसमें देखते हैं स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या रहेगा, यहां से वो मैग्नीट्यूड गिवन होगा, यानी कि स्पीड अगर दी जाएगी तो मीटर पर सेकंड किलोमीटर पर आवर दे सकता है, लेकिन वेलोसिटी के अंदर मीटर पर सेकंड और साथ में गिवन होगा डायरेक्शन क्या है, इन नॉर्थ डायरेक्शन या साउथ डायरेक्शन जो भी है वो साथ में गिवन होगा, स्पीड और वेलोसिटी का डिफरेंस ये रहेगा। फिर आता है हमारा टॉपिक है एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि फॉर्मूला बनेगा इसका dv/dt, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन, यानी कि जब चेंज होता है वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में देन इट इज सेड टू बी एक्सेलरेशन, और जब वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट रहेगी, जब उसके अंदर कोई चेंजमेंट नहीं आ रहा तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारी जीरो हो जाती है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, पूरा कंप्लीटली जीरो हो जाएगा। मोशन के चैप्टर में जितना भी बेसिक था या फिर जो इंपॉर्टेंट था वो हमने इसमें डिस्कस कर लिया है। आज की वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।